वेलकम टू अड्डा 247 दोस्तों, मैं हूं अमित पांडे और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन क्या है कि थोड़ा सा जो है ऑफ द टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बड़ा बोरिंग सा फील होता है पढ़ते हुए मोस्टली, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग और है बहुत आसान। अगर आपको चीज़ें पता हैं, क्लियर हैं, तो डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। देखो, हम इसको दो दो क्लास में करेंगे, एक तो नॉर्मल, आज थोड़ा बेसिक होगा, अगले क्लास में ज़्यादा एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो, दो क्लासेस होती है, एक तो सुबह 7 बजे होती है, एक तो रात के 9 बजे होती है। वो दो क्लासेस में हम बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर्स चल रहे हैं। अभी चल रहा है नॉर्मली अपना मिक्सचर एलिगेशन, दूसरा चल रहा है अपना रात में प्रोबेबिलिटी। तो आप उसको अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ये मोस्टली मैं सुबह वाला जो है वो क्लर्क के लिए है, शाम वाला जो पीओ के लिए है, लेकिन इसमें ये हो सकता है, देखो चैप्टर तो दोनों में सेम ही आने हैं, तो आप कॉन्सेप्ट अच्छा करके फिर बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा वो मैं करवाऊँगा मिल्क और वाटर का जो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता है वो करवाऊँगा। अच्छा, मैं बता दूँ यार, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक आंसर देना कि एक जो है मिल्क मैन है वो कुछ करता है, क्या करता है कि 20% प्रॉफिट कमाता है, 20% प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, बाय सेलिंग एट सीपी, मतलब जिसमें खरीदता है उसी में बेचता है, ठीक है, और कितना कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है। बट अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि जितने में खरीद दे उतने में बेच दे तो प्रॉफिट कमा लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, वाटर मिक्स कर देता है, बट मिक्सेस वाटर एंड सेल। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, एक बार ये आंसर आप बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आजम खान मेरा नाम है, अमित पांडे, ठीक है ना। चलिए बता दीजिए कि अगर वो 20% पानी 20% प्रॉफिट कमा लेता है मिल्क को सीपी पे बेच के, अगर आप सोचो अपने दिमाग में सोचो कि अगर वो सीपी पे मतलब खरीदता है और अगर उसी पे बेचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन वो पानी मिलाता है फिर बेचता है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपने बताना है, ठीक है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। हाँ, मिल्क मतलब दूध, वाटर मतलब पानी। चलो, अब आपने ये पहले आंसर कर दिया यार, सबने सबका आंसर ये आता है कि सर अगर 20% है तो आपने देखा होगा कि यार 20 को आपने ऐसे तोड़ दिया कि 20/100, तो ये हुआ कितना, 1/5, ठीक है ना, 1/5। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो रेशियो नीचे है डायरेक्ट शॉर्टकट है, उसके बाद जो घुमा के करेंगे पूरा आंसर निकालेंगे, टफ क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, ठीक है मेरे भाई। तो 20/100 मतलब 1/5, मतलब ये 5 क्या है, ये है मेरा मिल्क और ये है वाटर, जो प्रॉफिट है वो ही वाटर के जैसे काम करेगा, यानी जो रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का वो बनेगा 5:1, ठीक है। चलो, ये भी आपको समझ आ गया कि 5:1 बनेगा, इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, लेकिन मुझे ये भी बता देना कि कितना प्रतिशत मिल्क होगा, मिल्क का परसेंट बता दो कि कितना प्रतिशत मिल्क होगा, ठीक है, मिल्क का प्रतिशत भी बता दो कि मिल्क कितना परसेंट होगा। अब आप सोचोगे, कुछ लोग थोड़ा सा कभी कभी गलती कर देते हैं, वो 1:5 में अपना बोल देंगे मिल्क जो है 20% या 80% बोल देंगे, बट ये समझो कि 5 out of 6, तो 5 out of 6 ये प्रतिशत होता है, 5/6 × 100। अब 1/6 कितना होता है, 16.66 × 5 करोगे तो 83.33 होता है, या फिर 83 1/3%, ठीक है, ये ध्यान देना, 83 1/3%। बहुत सारे लोगों ने 80% बोला है,
बट ऐसे नहीं कर सकते। आप समझो बात को कि मिल्क 5 है, कितने में? 6 में, तो 5 out of 6। ठीक है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा होता कि मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है और पूछता मिल्क का प्रतिशत, तो हम बोलते कि यार मिल्क है कितना यहाँ, 4, आउट ऑफ कितना, 5, तो 4/5 × 100, फिर हम उसको बोलते 80%। ठीक है ना, तो कितना, 80%। सो दिस इज इट, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। चलो, तो यार अभी आपको समझ आया कि सर ये आखिर ऐसा क्यों करते हो, ये ऐसा वाटर क्यों हुआ और ये मिल्क कैसे हुआ। देखो, मिक्सचर एलिगेशन इज ऑल अबाउट वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज मतलब दो चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो कुछ चीजें उनकी सेम होती है। जैसे मान लो अगर मिल्क और वाटर को मिला दोगे तो जितने का मिल्क होगा, ऐसे देखो समझो बात को कि सीपी ऑफ मिल्क प्लस सीपी ऑफ वाटर इज इक्वल टू सीपी ऑफ मिल्क प्लस वाटर। ये इस पे काम करता है, ये काम करता है इस फॉर्मूले पे कि सीपी मिल्क सीपी वाटर सीपी ऑफ मिल्क प्लस वाटर, पूरा मिक्सचर एलिगेशन जो आपने ऐसे ऐसे करते थे ना, जो आप लोग ऐसे करोगे अभी करोगे बस, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि यार इनका, या फिर ऐसे कर सकते हैं एवरेज ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है और यही चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, यानी जितना मिल्क का सीपी होगा जितना वाटर का सीपी होगा, जब मिला दोगे दोनों को तो दोनों का सीपी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, इसलिए हम इसको बराबर कर देंगे, विल जस्ट मेक इट इक्वल। वीडियो ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक वाइक करते भी चलना, लाइक वगैरह करते चलिएगा। ठीक है, तो ये हमको समझ आता है यार, ये भी चलो हमको बात क्लियर हो जाती है। हाँ, प्रॉफिट वॉट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ और फिर हम इस पर बात अगर करेंगे तो कैसे समझ आएगा। देखो चलो, कि मैं कहता हूँ यार कि अगर मैं ऐसा अजम्पशन कर लेता हूँ कि जो वाटर है, मिल्क है, मिल्क का जो प्राइस है, आप समझना, मैं दोनों तरह से प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। 20 per kg मिल्क का प्राइस, 20 per kg, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैंने 20 अज्यूम क्यों किया, चलो 30 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, 20 के बजाय 30 अज्यूम कर लेते हैं, 20 अज्यूम करूंगा तो पॉइंट आएगा। 6 का मल्टीपल लेना है, मिल्क के सीपी को मैं 6 का मल्टीपल लूंगा, क्यों लूंगा अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यार मैंने मिल्क को मान लिया कि 30 rupees per kg है, तो मैं यहाँ मिल्क लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 30, और ये 30 है क्या, सीपी। 30 क्या है, सीपी है भाई मेरे। अच्छा, मिल्क 30 है तो वाटर कितने का हो गया, 0 rupees का। ठीक है ना मेरे भाई, वाटर कितने का हो गया, 0 का हो गया, मिल्क कितने का हो गया, 30 rupees का, 30 rupees per kg। ठीक है, 30 rupees liter कह लो, किलोग्राम कह लो, जैसे मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है ना, अब यार हमें पता है कि 30 मिल्क है, वाटर 0 है, चलो इसको लीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मिल्क रुपीज 30 है, वाटर रुपीज 0 है। अच्छा बताओ, जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, तो यार ये जो बेचता SP हो गया 30। अब मुझे एक बात बता देना, ये SP किसका है, SP किसका है, ये whose SP is this, ये किसका SP है, खरीदता क्या है, अब कमाता है वो, बट खरीदता क्या है, what does he buy, खरीदता है मिल्क और बेचता क्या है, मिल्क प्लस पानी। तो यानी ये SP किसका, मिल्क और पानी का। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी भाई, दूध और वाटर का SP है ये, तो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है कि यार सीपी ऑफ मिल्क, याद करना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सीपी ऑफ मिल्क सीपी ऑफ वाटर इक्वल टू सीपी ऑफ मिल्क प्लस वाटर, यानी यहाँ मिल्क और वाटर सब कुछ, अगर यहाँ सीपी ले रहा हूँ तो यहाँ भी सीपी लूंगा, तो यहाँ भी सीपी लूंगा, बट यार यहाँ तो मैंने सीपी ले लिया, यहाँ सीपी ले लिया, बट यहाँ का सीपी नहीं, SP दिया हुआ है, और SP कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है।
तो मेरे को यहाँ भी क्या चाहिए, सीपी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अब कुछ और देना चाहिए, तो इन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंट है अपना 20%, और 20% का वैल्यू है 1/5, 1/5। और 1/5 में हमको जब प्रॉफिट परसेंट या ऐसे निकलता है कि यार 20% 1/5 है, तो हम ये कर लेते हैं सीपी और एसपी का रेशियो। तो प्रॉफिट लॉस जिन्होंने पढ़ा होगा या जिन्होंने सोचा होगा कभी कि हमेशा प्रॉफिट सीपी पे होता है, एक बार इसको लिख देना, नए हो या पुराने हो, समझ जाओ बात को कि सीपी जैसा कोई नहीं, सीपी जैसा कोई नहीं, सीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमारा सीपी है 5, और 5 हमारा सीपी है, सीपी पे प्रॉफिट होता है, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ये किसकी पिक्चर है, ये हमारी पिक्चर है, वी मेड दिस। अब हमको रेशियो पता चल गया, और हमें ये भी पता है कि मिल्क कितने रुपए किलो है, 30 रुपए। क्या दिया हुआ है, एसपी, और एसपी यहां कितना, 6 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 5, 6 मीन्स 30, देन 1 मीन्स 5, और 1 मीन्स 5, तो 5 मीन्स 25, ठीक है। 6 मीन्स 30, 1 मीन्स 5, 5 मीन्स 25। द पर्सन जिनको थोड़ी सी, दोस्तों जो नए होंगे, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, बिल्कुल एक काम करना, गोल गप्पा कॉन्सेप्ट सर्च ऑन यूट्यूब, यू विल गेट अ वीडियो, यू डेफिनेटली गेट सम हेल्प फ्रॉम दैट। सो ये 30 है, ये 0 है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 25, क्योंकि हर जगह सब कुछ होना चाहिए सेम। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 5 इनका डिफरेंस। अब देखो इसमें से ये घटाना है, पहले क्या काम करना है, अगर बड़े में से मतलब ये हमने लिया, इसमें से ये घटा दिया तो 5 आ गया, अगली बार इसमें से ये घटाना है तो कितना आ जाएगा 25, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। 5:1 ये मिल्क का है और ये वाटर का है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये काम आपने बचपन में करा हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं समझा देता हूँ ये है क्या, और उसके बाद बिल्कुल कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ये क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैंने अभी बोला था यार, सीपी ऑफ मिल्क प्लस सीपी ऑफ वाटर इज इक्वल टू सीपी ऑफ मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि मिल्क जो है वो एक्स है, एक्स लीटर है, आप लोग कहते हैं लीटर, लो लीटर, और वाटर है वाई लीटर, तो मिक्सचर एक्स प्लस वाई लीटर होगा कि नहीं होगा, एक टाइप से समझोगे बात को। अब ये 30 रुपए है तो 30x हुआ, 30x प्लस, अब देखो वाटर कितने का, 0 का मिल रहा है, तो वाई इंटू 0 हो गया, इजक्वल टू सी पी कितना दिया हुआ है, सी पी दिया हुआ है 25, इसका किसका, मिक्सचर का, तो 25 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने जब हम 8वीं क्लास में थे तब किया था, ये 8वीं क्लास ही है, दिस इज नथिंग न्यू, ये आप लोग समझ लो बात को। अब ये 30x हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया 25, 25x प्लस 25y, x को हमने यहाँ भेजा, 5x इक्वल टू 25y, सो x अपॉन y कितना हुआ, 25/5, 5:1, ठीक ना। चलो यार अभी आपको सब समझ आ गया, यू नो एवरी कॉन्सेप्ट, अब मेरे को आंसर निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश सब में मिल जाएगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको समझ नहीं है दोबारा वीडियो वो देखेंगे, मजा आ जाएगा। यस गाइस, सॉल्व करके बता दीजिए, चलिए वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर करते चलना, और जब भी जो भी समझ नहीं आए बता देना, हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल तैयार रहो। एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, एक ज़बरदस्त स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टच में रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर बता दीजिए मेरे भाई। यस, देखो भैया कुछ ऐसे करोगे, कुछ ऐसा लिखोगे, देखो हिडन हो जाओगे फालतू में, क्या फिर नया आईडी बनाओगे, फिर उल्टा सीधा बोलोगे, फिर ब्लॉक होगे, ज़्यादा बार ऐसा करोगे तो परमानेंटली तुम घर आके ब्लॉक हो जाओगे, तो इसलिए सारी पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। यहाँ पढ़ने के लिए आओ,
कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक कर दो, चले जाओ। अगर कोई दिक्कत है वीडियो के बाद कमेंट करो, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अभी यार एट अड्डा 247 हम पूरा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए आंसर बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या आएगा। यस, तो गाइस सब लोग इसका आंसर बता रहे हैं, देखते हैं कि क्या बनता आगे। बोलता है मिल्क मैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट ₹9 पर लीटर। अब समझो बात को कि वो क्या करता है, खरीदता कितने में है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मिल्क का कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 1 लीटर प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस 10 दे रखा है, तो सीपी कितना है, 10 है। सीपी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और एसपी कितना दिया हुआ है, 9। अब सोचो यार कि ₹10 में खरीदता है और 9 में बेच देता है, मतलब 10 में खरीदेगा 9 में बेच देगा, तो क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट क्यों हुआ है, खरीदता क्या है मिल्क और बेचता क्या है दूध पानी, यानी मिल्क और वाटर। खरीदता है मिल्क और बेचता है मिल्क और वाटर, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होगी। मैंने कहा था हमको क्या चाहिए, सीपी 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 चाहिए, तो यार मिल्क का सीपी हम जानते हैं कि आप जानते हो यहाँ दिया हुआ है 10, वाटर का सीपी भी आप जानते हो कितना दिया हुआ है, 0, लेकिन यहाँ भी क्या चाहिए, सीपी, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम चाहिए, तो मिल्क प्लस वाटर ये 9 है। अच्छा कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, 20% का, तो 20% का मतलब कितना, ये बिल्कुल प्री लेवल है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है, प्री लेवल है। तो 20% 1/5, वही कॉन्सेप्ट हो गया कि यार अगर मैं कहूँ तो सीपी और एसपी का रेशियो हुआ 5:6, और यहाँ 6 की वैल्यू 9 है, 6 का मतलब दिया हुआ है 9, तो 5 का मतलब क्या होगा, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 6 का मतलब 9, तो 5 का मतलब 3 2 6 3 3 9, यानी 15/2। 15/2 मतलब 7.5 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 7.5 यहाँ 10 लिखा, तो यहाँ डिफरेंस कितना आया, 2.5, इनका डिफरेंस कितना आया, 7.5, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 3:1, और आई होप कि सबने ये आंसर सही किया है, ठीक है ना दोस्तों। सो इस पे और क्वेश्चन करिएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने पहला किया, हम हर क्वेश्चन अलग करेंगे, हर कॉन्सेप्ट अलग पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। यस, चलिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे अभी के अभी, ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो आई थिंक होप सबको ये क्लियर हो गया, एवरीबडी गॉट द पॉइंट, क्लियर हो गया सबको ये। चलिए एक बार अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दें, एक बार दिखा दीजिए यार, सुबह सुबह बता दो कि क्लियर हो गया यार, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती भी होगी ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग से, जैसे अभी शहबाज सिद्दीकी, बट स्टार्टिंग से एक बार देख लो, 100% समझ आ जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से एक बार देख लो कि हमें क्या चाहिए था, सीपी सीपी सीपी, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया कि सीपी सीपी सीपी, और यहाँ दिया हुआ था क्या, एसपी, तो मेरे को चाहिए क्या था, सीपी, तो अगर मैं वो सीपी निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस खाली सीपी सीपी सीपी, दानिश बिल्कुल बिल्कुल एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा 100%, बिल्कुल टेंशन मत लो। 5/6 नहीं समझ आया कैसे आया, छाया प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। एक बार प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक है कि जो नीचे वाला है वो सीपी है, 1 का प्रॉफिट तो भैया जिसमें खरीदते हो और 1 का प्रॉफिट तो जोड़ दोगे तो एसपी हो जाएगा। चलो भैया अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला तरीका नॉर्मल, दूसरा तरीका मिक्सचर एलिगेशन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1:3। अब देखो कि यार क्या क्या दे रखा है, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है,
बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या दे रखा है? 1:3, ठीक है, 1:3 एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है। कहते अगर 5 लीटर एसिड मिला दिया, इफ 5 लीटर एसिड इज एडेड, 5 लीटर एसिड एडेड, तो रेशियो कितना हो जाएगा एसिड और वाटर का? 1:2, ये हो जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो 1:2, और ये 1:3। यार एक बात बताओ मेरे को, मिलाया क्या है? एसिड मिलाया तो एसिड है, कि एसिड पहले 1:3 था, अब एसिड 1:2 है, मिलाया एसिड है, तो वाटर जितना पहले रहा होगा उतना वाटर अभी भी रहा होगा, जितना वाटर पहले था उतना वाटर अभी भी रहा होगा, क्योंकि वाटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इस पे बहुत डिटेल बात करेंगे, बहुत मतलब ऐसा भी होगा कि दोनों में से कुछ निकाल दो, अगर यहाँ से कुछ निकाल देते ना तो एसिड भी निकलता वाटर भी निकलता, लेकिन मिलाया क्या है? सिर्फ एसिड। कितना एसिड मिला है? 5 लीटर एसिड मिला है, तो 1:3, 1:2, यानी वाटर होना चाहिए सेम। वाटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन वाटर सेम तो है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो चलो यार इसको सेम करते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं यहाँ सेम करने के लिए, हमें पता ये 3 है ये 2 है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2:6 हो गया, नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3:6 हो गया। ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2:6 हुआ, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3:6 हुआ। अब बताओ कि जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी है, जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 2 है तो अब ये हुआ 3, तो यहाँ कितना मिलाया? 1 मिलाया। ये आपने एक पिक्चर बनाई, यहाँ कितना मिलाया? 1, यहाँ मिलाया 1, और वैसे कितना मिला रहे थे? 5, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 5, यानी 1 रुपये में 5 गोलगप्पे, 1 का मतलब 5। लेकिन उसने पूछा कि क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर टोटल कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 9, तो 1 का मतलब 5, तो 9 का मतलब 45। ये न्यू मिक्सचर था। एक बार सब लोग इनिशियल मिक्सचर भी बता देना, कि इनिशियल मिक्सचर पूरा समझा के बताओ, पूरा समझा के बताओ कि 1 का मतलब 5, तो किसका मतलब क्या, कौन सा इनिशियल मिक्सचर। चलिए चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यस, इसको जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। चंद्रमोहन जी, देखो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी समझ सकते हो चंद्रमोहन जी, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद जब जाके जैसे सुबह सुबह क्लास होगी, जो भी क्लास होगी, जो भी टॉपिक होगा आप कवर कर सकते हो, ठीक है, उसमें अगर ये कर ले गए तो SSC GD UD में कुछ भी आ जाए हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, सारे एग्जाम्स के लिए है ये। यस, बिल्कुल सही समझा के बताया आपने, दैट्स गुड। अब एक बार ये वाला भी आंसर बता, इसका एक और मेथड देखो, इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे, एलिगेशन से कर सकते थे, पिछले वाले क्वेश्चन को ही एलिगेशन से भी कर सकते थे, कि हम खाली खाली वाटर ले लेते, मिल्क ले लेते, जो पार्ट होता खाली वो लेकर भी कर सकते थे, ठीक है ना, 100% आ जाता आंसर। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे किया? मल्टीप्लाई सेम करने के लिए वरुण, एलसीएम यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, इसका मतलब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 3 से करेंगे, ये ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हर क्वेश्चन बिल्कुल अपना अलग अलग लेवल होगा, ऐसा नहीं होगा, देखो आप सब कुछ तो यहाँ नहीं सीख पाओगे, लेकिन जब नए नए क्वेश्चन देखोगे, उसको करोगे और एग्ज़ाम में बैठोगे तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा, और घर पे प्रैक्टिस बहुत करोगे तो डेफिनेटली मेरे भाई आप सॉल्व कर सकते हैं। हेमंता द्वारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, समझ आ जाएगा, अपने वहीं से थोड़ा सा पीछे कर लो अभी, और फिर लाइन में आ जाना। यस गुड, तो यार अभी ये क्वेश्चन मैं दोबारा कराता हूँ उसी कॉन्सेप्ट से, हालांकि मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं इसी कॉन्सेप्ट से दोबारा कराता हूँ इसको, ध्यान से समझो। बोला है कि यार मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1 है, 7:1 है मिल्क और वाटर का रेशियो, इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1, यानी यार अब हमें बनाना है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1,
तो क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, बताओ भैया, वाटर ऐड करना है। तो वाटर अगर ऐड करना है तो क्या सेम होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। देखो सामने लिखा हुआ है, अब ये 7:1 है, 3:1 है, मिल्क को सेम कर लेते हैं। तो मिल्क को सेम करने के लिए यहाँ मिल्क 7 है, यहाँ मिल्क 3 है, तो मतलब यहाँ उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो, तो कितना हो जाएगा 21 और 3। यहां 7 से कर दो तो 21 और 7, 21 और 7। तो बोलता है कि कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि कितना पानी मिलाया जाए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड। अब यार ये देखोगे कि अब मिल्क तो तुम्हारा सेम हो गया 25 और ये अपना हो गया 28। आप समझो मतलब कितना मिलाया, 4 मिलाया है यहाँ पे ना, 25 और 21 और 7 28, जो 24 और 28, तो मिलाया कितना, 4 मिलाया। और 25 का मतलब पता है कितना, पता है 40, तो 25 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना, दैट्स इट। 25 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना, खत्म कहानी, दैट्स इट, ठीक है ना। कितना, 25 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना, जस्ट सी इट एंड यू डू इट। अब यहां का रूप 5 कर दो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, कि कितना मिलाया है, ठीक है। 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी 24 है, ये मैं बार बार 25 से लिखे जा रहा हूँ, दिस इज 24 है यार, 24 का मतलब 40, हाँ, 24 है भैया, 21 और 3, 24। कोई पूछ रहा था कि इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाते हो, तो मैं ज़रा सोच रहा था क्या बोलूँगा अभी कि कैसे उठ जाता हूँ, तो 21 और 3 24 होता है, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों, अब सो दोबारा समझो, दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि यार 7:1 हमने सेम किया तो 21 और 3 आया, अब यहाँ सेम किया तो कितना आया, 21 और 7 आया। अब कहने का मतलब ये 21 3 है, 21 7 है, इनिशियल वैल्यू दी हुई थी, इनिशियल कितना 40 लीटर, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, और 24 का मतलब 40 है, तो मिल्क कितना, वाटर कितना मिलाया, 4, तो 24 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, देखो नॉर्मल तरीके से इसको करना, ट्राई करना हर एक चीज़। अभी अगला क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन लगाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन दिखाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, यस दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस गाइस। 40/20 कैसे, 20 नहीं है 24 है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, वील टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये देखो ये हिंदी में नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, कि मिस्टर एक्स ने, ये बहुत मतलब आपकी आंखें खोल देगा। हाँ टेकन सेंगी 24 का मतलब 40 इसलिए होगा ना, क्योंकि हमने फाइनल मिक्सचर बना दिया, 8 का मतलब 40 स्टार्टिंग में था, तो हम 8 की बात ना करके जब हमने रेशियो बदल दिया, तो अब नया रेशियो पे बात करोगे ना, तो नया रेशियो ले लोगे। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर अगर आप बताते हैं तो इसका मतलब भैया मिक्सचर एलिगेशन का समझो 70% चीज़ें आपको आ चुकी हैं, अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो। तो प्लीज़ जो है जिन लोगों को समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा वीडियो देख लेना, थोड़ा सा टेडियस हो जाएगा अगर मैं दोबारा बताने लगूंगा तो, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना तो मैं ज़रूर वो चीज़ करवा दूंगा, दिस इज़ माई वर्ड, मैं अगली क्लास में आते ही वो करवाऊंगा, 7 बजे करेक्ट मिलना, करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई आंसर बताइए, इसका आंसर बता दिया तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, और आराम से देखो यार आप लोग अलार्म लगा लो सुबह 6:30 बजे का। कोई पूछ रहा था आपके, मैं तो 6, मुझे तो जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि कंटेंट वगैरह भी देखना पड़ता है, आप लगा लो 6:30 का, 10 मिनट में मुंह धो के रेडी हो जाओ, 7 बजे तक क्लास शुरू हो जाती है, यही तरीका है। एक दिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी जगने में, बट अगले दिन ज़रूर जग पाओगे। अब ये सुबह से पढ़ना शुरू कर दो और 4-5 घंटे पढ़ पढ़ा के बिल्कुल चीज़ें क्लियर करो, शाम को टेस्ट करो, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। खाली मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ऊपर वाला देख रहा है कि कितनी मेहनत आप कर रहे हो। चलिए तो
तो देखो इसका, देखो थोड़ा सा डिफरेंट था इसीलिए आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो आंसर सबका अलग अलग आ रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत तगड़े से, ठीक है, बहुत तगड़े से इसको सॉल्व करेंगे कि मिस्टर एक्स ने 10 किलोग्राम वेराइटी ए राइस विथ 15 किलोग्राम ऑफ वेराइटी वी राइस। तो मैं बार बार इनिशियल बोल रहा था यार, सीपीसीबी की बात कर सकते हैं हम, यहां कुछ भी कह सकते हैं, यहां सीपीसीबी की बात कर सकते हैं। तो यार उसके बाद बोला है कि सोल्ड मिक्सचर एट अ प्राइस 40% मोर देन दैट ऑफ ए। अभी तक कुछ ऐसा किक नहीं लगा, अभी तक कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आया, लेकिन जब आगे वाली लाइन पढ़ोगे कि ही डिड नॉट गेट एनी प्रॉफिट, तब यहां आंखों में दिल बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर बोले ही डिड नॉट गेट एनी प्रॉफिट, तब क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी सीपी जो होगा वैरायटी ए का, मतलब मिक्सचर का जो सीपी होगा वही मिक्सचर का एसपी भी होगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं, अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है, अब हम ए की बात करते हैं। तो ए का जो प्राइस है वो पता नहीं है हमको, तो ए का प्राइस अपने मन से मान लो, अब 40% लिखा हुआ है तो 100 वाले में केस में ही ले सकते हो, मान लो 100 है, चलो वैसे भी आप 5 भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 100, ये मैंने अज्यूम किया है। अगर मुझसे पूछा होता ना कि कॉस्ट प्राइस बी का बताओ, तो मैं बोलता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कुछ वैल्यू पता नहीं थी, ठीक है ना। तो मैंने ए का प्राइस 100 मान लिया, बी का प्राइस मेरे को पता नहीं है, तो बी का प्राइस मैं क्या कर लेता हूँ, अभी फिलहाल एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। बोलता है जो मिक्सचर है उसको बेचा कितने में, इससे 40% ज़्यादा है, इससे 40% ज़्यादा है, यानी मिक्सचर को बेचा है, शब्दों पे ध्यान देना, मिक्सचर का एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 140, और उसके बाद एक शब्द भी लिखा हुआ है कि ना प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट लॉस। तो यानी जो सीपी होगा मिक्सचर का एसपी होगा, वही क्या होगा, सीपी भी होगा दोस्तों, ठीक है, वही क्या होगा, सीपी भी होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं कि ये कितना है 140, तो डिफरेंस यहां कितना आएगा 40 का, ठीक है ना, 40 का डिफरेंस आएगा, और 40 का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ कितने का डिफरेंस आता है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, रेशियो निकाल लो, ए कितना था 10 किलोग्राम था, बी कितना था 15 किलोग्राम था। तो देखो नीचे हमेशा क्या, क्वांटिटी का रेशियो ही आता है, तो इनका रेशियो है कितना, 2:3। अब देखो 3 की वैल्यू 40 के बराबर है, 3 का वैल्यू 40 के बराबर है, एक का वैल्यू कितना होगा 40/3, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 80/3, कितना होगा 80/3। अब देखो ये वाला नंबर क्या था, ये छोटा था, ये 140 है, और इसमें से ये घटाए तो देखो ये क्या है, ये कंपैरेटिवली इससे बड़ा है, तो ये वाला क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा। अब इनका डिफरेंस कितना है 80/3, लिख लें दो मेरे को। तो ऐसे हम पूरा सॉल्व कर लो, x माइनस 140 इज इक्वल टू 80/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 140, वहाँ जोड़ दिया 520 प्लस 80, यानी 42 500/3, 500/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई 500/3, और ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस b का। देखो उल्टा पूछा था, हर बार पहले ये पूछता था कि इनका रेशियो क्या होगा, अभी उल्टा पूछ लिया कि इनका रेशियो क्या होगा। अगर ये 100 है, ये 500/3 है, तो इनका रेशियो कितना होगा दोस्तों, 100 × 500/3 इंप्लाइज दैट 300 × 500 रेशियो कितना आया 3:5, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना, कितना आया 3:5। दिस इज द क्वेश्चन, लाइक कि अगर एग्जाम में आपने स्टार्टिंग के मेरे उतने क्वेश्चन कर लिए, तो आंसर आपका ये वाला आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन सब पूछते, सर 80/3 कैसे हुआ, तो बात समझो ना यार,
कि रेशो दो और तीन का है, तीन की वैल्यू 40 के बराबर है, मतलब 3 रुपए में 40 गोलगप्पे मिलते हैं, तो 1 रुपए में 40/3 मिलेंगे, तो 2 में कितने मिलेंगे, 80/3, क्योंकि रेशियो ओवरऑल 2:3 ही है ना क्वांटिटी का। समझ आ गया क्या? क्या सबको समझ आ गया ये बात? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो बोलो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते हो तो मिक्सचर एलिगेशन का मैंने कहा था 70% कॉन्सेप्ट आप अपने जेब में रख के घूमोगे दोस्तों, ठीक है, 70% कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल, दोबारा समझा देता हूँ इसको, कि ये 100 है, ये x है। अब बोलते हैं इसके सीपी जो है 40% ज़्यादा में बेचा, लेकिन ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ 140 लिया, डिफरेंस यहाँ आ गया 40। अब ये 43 के बराबर है, 3 का मतलब 40, तो 1 का मतलब 40/3, तो 2 का मतलब 80/3 दोस्तों, यानी 2 का मतलब 80/3। अब इनका डिफरेंस होना चाहिए इसके बराबर, तो डिफरेंस इसके बराबर किया, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिया दोस्तों, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। और कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, पूछा गया था कॉस्ट प्राइस का रेशियो। चलो यस, तो आई थिंक आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, एक एक पार्ट को समझना, बात को समझो, कहाँ रेशियो 2:3 दिया हुआ है। बिल्कुल राधेश्याम, बहुत सही बात पूछी आपने। 10 किलोग्राम ए है, 15 किलोग्राम बी है बेटा, तो इनका रेशियो 2:3 हो गया ना, 10 और 15 का। अब आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। चले कंप्यूटर जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर प्लीज़, 500/3 कैसे हुआ? हाँ, जब तक आप लोग ये देखिए अच्छे से मैं बता दूँ, 500/3 कैसे हुआ, 500/3 कैसे हुआ, इनका डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, तो x इज -140 इक्वल टू 80/3। अब इनको जोड़ दो यार, 14 + 42 420 प्लस 80 500/3, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, क्लास तो आप बताओगे कैसी है, क्वेश्चन वॉज वेरी गुड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इतना बताता हूँ कि अगर आपको इतना आता है ना, तो एग्जाम में उसको घुमा के पूछा जाता, बस और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। डिफरेंस कैसे बराबर हुआ, क्या कॉन्सेप्ट? नवनीत भाई, स्टार्टिंग में पूरा समझाया हुआ है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में पूरा समझाया हुआ है। चलिए, एक एक पार्ट को समझो, बात को, एक एक पार्ट को। अब ये क्वेश्चन समझो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझो, इसको सॉल्व करो, एक मिनट देता हूं, अनइंटरप्टेड, ठीक है, ठीक है, अनइंटरप्टेड। आप मेरा क्लास जो होता है, देखो मॉर्निंग 7 to 8 होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और नाइट में 9 to 10 होता है, जिसमें जो है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, और बीच बीच में कभी और आ जाता हूँ प्रमोशन वमोशन करने, ठीक है ना, बट टाइमिंग अपना यही है, एक मॉर्निंग 7 to 8 और एक शाम को 9 to 10। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी कर दो, थोड़ा शेयर वेयर भी मार दो, ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। चलो थोड़ा वीडियो लाइक वाइक करते चलो यार, चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा मतलब अच्छी चीज़ें इस पर डिस्कस होती हैं, आपको पता होगा। चलो तो यार, अब देखो यार कि प्रभु प्रभु कहते, प्रभु हे प्रभु, उन्होंने 30 किलोग्राम चावल खरीदा इतने रुपए पर किलोग्राम, और दूसरा 30 किलोग्राम चावल खरीदा इतने रुपए पर किलोग्राम, ही मिक्स्ड टू, दोनों को मिक्स भी कर दिया प्रभु ने, और सारी की सारी क्वांटिटी बेच दी कितने में, 18.6 किलोग्राम में, बस खत्म था। अब देखो 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, अब क्या कहने का मतलब क्या है भाई, ऐसे देखो समझो बात को, ठीक है, तो यार 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, दोनों 30-30 दिया हुआ, यानी क्वांटिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1, दैट इज इट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो यार बहुत आसान है ये, इसमें कुछ था नहीं बिल्कुल, इसको आप अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हो, 1:1 का रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब एक का प्राइस दिया हुआ है 17.5 सीपी 17, देखो लिखा खूब बड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है उसका, अगले का प्राइस दिया हुआ है पता ही नहीं है, एक्स मान लेते हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है, एसपी। अब देखो एसपी, अब मैंने कहा था कि अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए, उसके लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो एसपी मिक्सचर का दिया हुआ 18.60।
प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। तो सीपी और एसपी का रेशियो जो आया वो 5:6 आया, 5:6, क्योंकि ये 1/5 होता है। ये चीज़ें नोन होनी चाहिए। 6 की वैल्यू दे रखी है 18.60, तो 1.6 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना? अगर मैं बोलूँ 6 का मतलब 18.6, तो 1 का मतलब 3.1, तो 1 का मतलब 3.1, तो 5 का मतलब 15.5। कितना आया? 15.5। सिंपल हो गया, यानी यहाँ रख दिया 15.5, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इनका डिफरेंस देखा तो 17.5 में से 15.5 घट घट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 1 का मतलब 2, तो यहाँ भी 1 का मतलब 2 होना चाहिए। 1 का मतलब 2, तो 1 का मतलब 2, यानी इनका डिफरेंस। अब इसमें से ये घटाएंगे, क्योंकि एक बार बड़े में से छोटा, मतलब इसमें से ये, फिर अगली बार इसमें से ये, तो 17.5 में से 15.5 2 गया। अब 15.5 में से x, 15.5 में से x घटाएंगे तो 2 आएगा। तो चलो घटा के देख लेते हैं, 2 यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 13.5। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से बढ़कर नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। चलिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाइए, और किसी को डाउट हो इसमें तो प्लीज बात करना। ट्वेंटी परसेंट मतलब 20/100, अगर आप देखो 20/100 लिखोगे तो वो 1/5 हो जाएगा। टू कैसे? क्योंकि दोनों का 1:1 का ही रेशियो था, तो जो यहां वैल्यू आई है वही वैल्यू यहां भी आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 1 का मतलब 2, तो 1 का मतलब 2। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और सोचो कि कितने जल्दी कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करो। दोस्तों सर, 2 कैसे इक्वल हुआ 2:2? क्योंकि 30-30 किलोग्राम दोनों था ना, तो क्वांटिटी सेम थी अभिजीत, तो क्वांटिटी सेम थी तो डायरेक्ट रेशियो रख दिया हमने, ठीक है। चलो फाइनल का रेशियो के लिए, वही तो इनिशियल था, वो इनिशियल है वही फाइनल है ना। इनिशियल जब क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी। हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, जब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आंसर आना शुरू हुआ है, सो गाइज ट्राई टू सॉल्व इट अगेन, राइट? सो आंसर इज कमिंग गाइज, ट्राई टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको बता दूंगा, इसको बहुत जल्दी बता दूंगा सब कुछ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, एक चाय वाला टी प्रोड्यूसर मिक्सेस 2 कैटेगरीज ऑफ टी फ्रॉम 2 गार्डन्स इन द रेशियो 5:3। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैटेगरी इज इतना एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना, और मिक्सचर सोल्ड किया इतना। देखो, अगर इतना बड़ा लॉजिक लगाओगे ना, अगर इतना बड़ा लॉजिक लगाओगे तो जो है, एक सेकेंड, एक श्रीधर रेड्डी का कमेंट था। श्रीधर रेड्डी, आपने जो बोला, जो भी बोला था, वो इस रेशियो को समझना, पूरी बात को, तब आपको समझ आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें यार आप लगाओगे कि नॉर्मल मेथड लगाओगे, बहुत बड़ा पड़ेगा, तो इसको एक आसान कर देते हैं। देखो यार, रेशियो दिया हुआ है 5:3 का, पहला और दूसरा क्वांटिटी, ये दिया हुआ है 27 रुपया किलो, ठीक है ना, और दूसरा वाला दिया हुआ है 30 रुपया किलो, और इसको बेचा कितने में है, सोल्ड कितने में किया है, 30.25 रुपीज में पर किलोग्राम, 30.25 किलोग्राम पर किलोग्राम में सोल्ड किया हुआ। यानी ये 27 रुपये किलोग्राम है, ये 30 रुपये किलोग्राम है, इसमें बेचा है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरा निकालोगे, बहुत बहुत बहुत, बहुत लेंथी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। इसको आसान करो। कैसे आसान करोगे? एवरेज निकाल दो, इसका पर किलोग्राम निकाल दो। कैसे निकलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5:27, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सीपी मिक्सचर का पर किलोग्राम,
देखना बात को, 5 × 27 + 3 × 30 90 हो गया, अपॉन 8 हुआ। तो 5 × 27 कितना होता है, 20 × 25 100, 7 × 35 135 + 90, तो 225 / 8, ये सीपी आ गया। और एसपी पता है, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना था। ये सीपी पता चल गया ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, अब पता चल गया एसपी। अब एक काम और, इसको अब हमें चाहिए क्या, ये नहीं पूछा है, ये नहीं इसने पूछा कि हुआ क्या है, इसने पूछा कि गेन प्रतिशत क्या है, गेन परसेंट क्या है। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है, अब क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो। ऐसे करोगे, पॉइंट निकालोगे, बड़ा पड़ेगा, पॉइंट आएगा, लफड़ा होगा। इन दोनों का क्या करो, रेशियो निकाल लो, आज को अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। तो यार ये मैं मिटा रहा हूँ, समझना, मैंने एवरेज निकाल दिया, 5 × 27 3 × 3 / 8 करके निकाल दिया, ये मेरा आ गया, क्या आ गया, सीपी। तो मैं इनका क्या करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, देखना कैसे निकलेगा। अब ये ये पहले सीपी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लिया मैंने 225/8। अब एसपी हुआ 30.25, तो इसको ऐसे लिखो 30/25/100। अब अगर कभी ऐसी कहानी बने तो इनको ऐसे 25 से काट लो, यहां देख लेंगे हम क्या होगा। तो 25 से काटा तो ये कितना हो गया, 9 9/8। ये 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 × 25 = 52 25 × 2 = 25 × 1 = 121। अब तो ये कटेगा नहीं, यहाँ कट सकता है, तो 4 × 2 = 4 25 25 को यहाँ भेजा, कितना हुआ, 225 क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 को वहाँ भेजा तो 242। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का, 225 242, तो 25 × 10 = 35 = 742, 17 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो 17 / 225 × 100। अब ये हो गया 25 4 = 25 9 = 68/9। देखो जब भी कभी काम करोगे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये कोशिश करो कि मिनिमम कैलकुलेशन हो, मिनिमम कैलकुलेशन और इजी कैलकुलेशन। ऐसा भी कर सकते थे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते, और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ काट दो, 225/8 कर दो, तो कितना हो गया, 8 × 16 हुआ। अब ये बचा अपने पास 65, तो 8 × 7 = 63 हुआ, 27 हो गया, 20 बचा, तो 20 हुआ, तो अपने पास 20 160 8 × 7 = 56, ठीक है, तो 8 × 16 = 65, 8 × 7 = 56 8 × 64 अब बचा कितना अपने पास, 1 बचा। तो अगर हम देखेंगे कि अब 10 बचा, तो फिर 8 × 1 = 8, फिर 8 × 2 = 16, फिर 8 × 5 = 40, तो 28.125। लेकिन मेरे को लगता है ये ज़्यादा बड़ा पड़ेगा, ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से दिखाइए। विनय, देखो रेशियो तो सिंपल है यार, सीधा सीधा काटो, इधर उधर भेजो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चारों तरफ काट दो, जो भी कटे उसको काट दो। चलिए आई होप यू क्लियर इट। अब देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, दिस इज द ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ईजीएस्ट क्वेश्चन। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू डू दैट। चलिए देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, दो चीज़ें आपके सामने, इसके अलावा दो ही तरीका है सॉल्व करने का, बड़े वाले से करो मत, छोटे वाले से कर दो जल्दी से। सर कल कौन सी क्लास होगी, देखो मिक्सचर एलिगेशन का एक और क्लास करेंगे, तो हम उस पर थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है ना। तो हाँ अभिजीत, या प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस भी लेंगे, उसकी भी क्लास करेंगे, लाइव क्लास करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब यार दिस इज द वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन एवर सी,
बट द लैंग्वेज इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा घुमा दिया गया, बट रियल में दिस इज़ ईजीएस्ट क्वेश्चन, सो यार ये तो भैया सॉल्व कर लोगे। सर इसका बेसिक वीडियो, उसका लिंक बताए अजीत, स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो इसी वीडियो को, इसमें भी बहुत कुछ बेसिक भी बताया गया है, ठीक है। रीड करने वाली बात है, अगर आप क्यों ये बहुत बढ़िया से रीड कर रहे हो तो ये पता चलता है यार 3:4 है, सेकेंड मिक्सचर है 5:7, 6 है, ठीक है, और वो 3:4 है, और टोटल जो मिलके बना वो कितना बना, 18 बना, इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 4:5, उसमें जो रेशियो बना एल्कोहल और वाटर का वो 4:5 हुआ। तो क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर जिसका रेशियो 3:4 है, दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 लीटर्स ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। तो मतलब जो तीसरा मिक्सचर बना, अगर पहला वाला बोलते 18 है तो टोटल 18 बनना चाहिए, तो किस हिसाब से रेशियो बना यार। अब देखो यार, हमें पता है यार कि पहले क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि 3 और 4 का है, 5 और 6 का है, 18 बनाना है और रेशियो बनना चाहिए क्या, 4:5। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखो समझो बात को, बोलते एल्कोहल टू वाटर, तो सब में क्या ले लो, एल्कोहल ले लो, सब में एल्कोहल ले लो, तो हिंदी में मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि सब में एल्कोहल ले लो। उसने दो विभिन्न प्रकार के एल्कोहल्स को खरीदा और मिक्सचर एल्कोहल टू वाटर था, तो मैंने पहले ले लिया यार 3:7। कैसे लिया मैंने, क्योंकि पहला रेशो 3:4 था एल्कोहल और वाटर का, तो मैंने 3 उठाया और टोटल कितना था 7, तो 3:7। सेकेंड मिक्सचर एल्कोहल और वाटर का 5:6 था, तो वहाँ पे भी मैं सेम करूँगा 5/11। कैसे, 5:6, ये 5 था, टोटल 11 है, तो 5/11 हो गया। अच्छा मिक्सचर की बात क्या है, मिक्सचर को कैसे मिलाया, एल्कोहल टू वाटर इज 4:5, यहाँ पे भी एल्कोहल मिक्सचर में, तो 4:9 ले लिया, 4:9। अब इसमें से घटाना है तो कितना आएगा अपने पास, 27:28, यानी 1/9×7। अब इनका डिफरेंस लेना है आपने, हमेशा ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ कि यार 4:9, 3:7 घटा दो 27, 28, तो 1/9×7। अब एक बार यहाँ भी घटा दो 45, 44, तो 1/11×9, दैट्स इट, ठीक है ना, 1/11×9। अब कहने का तरीका क्या है मैं वो बता दे रहा हूँ, अब इनका रेशियो चाहिए हमको तभी क्वांटिटी आएगा, तो रेशियो ऐसे लिख लो, देखो सुनो, सेवन इज टू इलेवन, यानी रेशियो यहां कितना गया 7:11, यानी ये हो गया 7, ये हो गया 11, टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है 18, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 18, और 18 का मतलब 18, तो 7 का मतलब 7, 11 का मतलब 11। इसने पूछा गया कि इस वाले का बताओ, इस वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई, आंसर कितना आ गया 7:11। तो चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए। यार ये क्वेश्चन सबसे आसान है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ सूर्या बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सूर्या जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप पूरी बात समझना बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अभी जितना भी अगर हम मतलब करेंगे लेवल, जब कभी हाई लेवल लिखा हो ना वहाँ, तब मत आया करो, बाकी बेसिक बेसिक आप आराम से पढ़ सकते हो। यार इसका आंसर बताओ, माहिश मती की कसम है सबको, इस आंसर के साथ हम निपटा देंगे इसको, ठीक है ना, इस आंसर के साथ अपन निपटा देंगे इस सेशन को, ठीक है। तो जल्दी से जो है इसका आंसर बता दो सबके सब, ठीक है। सर यहाँ थ्री थर्ड मिक्सचर बोला था, कैसे 7 हुआ, अभिजीत यार थर्ड ये वाला ना, जो थर्ड नया वाला बना, लेकिन उन्होंने जो क्वांटिटी पूछी थी इसकी पूछी थी, रीड द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन अगेन, यार ये सब बता दो, क्लास ख़त्म करते हैं, अपना अपना जाओ, आराम करो, ठीक है, और जो है बाकी चीज़ें डिस्कस करो। इसका आंसर आई वांट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है।
यस, दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन एवरी वन, सबके सब. हमारे साथ अभी 700 लोग करीब हैं, तकरीबन 800, 885 पीपल आर वॉचिंग एंड आई वॉन्ट 885. ठीक है, चलो. तो हाँ, यस. सो यार, एवरेज डेली वेजेस ऑफ स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर एंड लेबरर्स. तो यार लिख लो मेरे भाई, यहां लिख लेते हैं सुपरवाइजर और यहां लिख लेते हैं लेबरर्स. ठीक है, तो बोलते हैं कि अब ये इससे निकलेगा, पूरा रीड करोगे जब एक बार, ऐसा क्वेश्चन निकल आता है. लेकिन रीड क्या करो, इसका पता है, इसका पता है, ओवरऑल पता है, आंसर आएगा इसी से आएगा. तो सुपरवाइजर कमाता है 50, नहीं, सुपरवाइजर 50 कमाएगा, दिक्कत हो जाएगी. लेबर कमाता है 50, द एवरेज डेली वेजर. ओके, यहां आएगा 50 क्योंकि एवरेज वर्ड दिया हुआ है. ठीक है, और लेबर का सैलरी जो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है पर डे, और जो सुपरवाइजर का सैलरी दिया हुआ है वो 150 पर डे. तो इनका जो डिफरेंस आएगा, सीधा घटाओ 100 आएगा, फिर यहां से इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा, 10 आएगा. तो रेशियो 10 और 100 का हो गया, तो रेशियो 1:10 का हो गया, 1:10 का हो गया. अब बोलता है अगर सुपरवाइजर 15 हैं तो एक का मतलब 15, तो 10 का मतलब 150. सो दोस्तों, ये आप सबने आंसर निकाल दिया, दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन भी था. यू ऑल सॉल्व इट, आई रियली लाइक दैट. एक बात बताना कि वीडियो कैसी लगी. ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पर एक दिखाइएगा, उसको होमवर्क दे देते हैं, वो भी आसान ही होगा. इसके बाद वाला दिखाइए. ठीक है, ये होमवर्क है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका आंसर ज़रूर बताना. ठीक है, चलो क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से. अब देखो यार, हम ये मिक्सचर इरिगेशन का एक सेशन लेकर आए, एक और लेकर आएंगे जिसमें हम थोड़े से टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको भी देखना. ऐसा जब मैं कुछ टफ पढ़ाऊँ ना, उसको देखा करो जरूर, सारे कुछ नहीं तो क्वेश्चन ज़रूर देखा करो, क्योंकि सोच बढ़ेगी, थोड़ा सा सोच पाओगे. अच्छा, ठीक है, तो ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्लास कैसी लगी आफ्टर, जो है उसमें बता देना मेरे को कि और क्या करना चाहिए. और हम क्लास तो ले ही रहे हैं, तो हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये भी बताना. टॉपिक भी बताना अगर पीओ प्री से पहले कुछ पढ़ना चाहते हो तो. सो गाइस, बिल्कुल चलते हैं, अब ख़त्म करते हैं आज का सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. सो बाय, टेक केयर, थैंक यू. वेलकम टू अड्डा 247. दोस्तों, मैं हूँ अमित पांडे और आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन की, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले बताओ कैसे हो आप लोग, और सब बढ़िया चल रहा है, और कैसी रही सुबह अभी, और कर क्या रहे हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन करना. ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और ज़बरदस्त टाइप की क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे और फुल यूज़ करेंगे आज के इस मॉर्निंग का. ठीक है, तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखाइए स्क्रीन पे, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका आंसर करें. जितनी भी पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है वो सब 100% लोग इसका आंसर निकालें. जल्दी करें दोस्तों, कम ऑन, फास्ट. चलिए फास्ट आंसर निकालिए, कितना आंसर आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, नो डाउट, आप उसको आराम से निकाल सकते हो. ठीक है, और जो भी चैप्टर, जिस टाइप की क्वेश्चन आपको परेशान करते होंगे, हम वो टाइप का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. बिल्कुल, कि मिक्सचर में से क्या निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, लाइक मिल्क वाटर का मिक्सचर है तो मिक्सचर ही निकाल दो, तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. तो देखो, हिंदी इंग्लिश सब में क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आई थिंक सेकेंड्स का काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ये बहुत आसान है, उसके बाद धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा. तो एक मिल्क मैन ने 15 लीटर मिल्क खरीदा एंड 3 लीटर ऑफ वाटर एडेड मिक्स कर दिया. इफ द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द मिक्सचर बिकम्स रुपीज 22, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क पर लीटर.
देखो आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और यही हमको चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमें क्या पता है यार, हमें क्वांटिटी पता है। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमको इतना पता था यार कि रेशियो अगर क्वांटिटीज़ का मिलता है तो ओवरऑल रेशियो निकालने से ही मिलता है। अब 15 लीटर मिल्क था, उसमें 3 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो अगर मैं कहूँ यार ये मिल्क ले लेता हूँ मैं, ये वाटर ले लेता हूँ पहले पैटर्न पे, तो ये मिल्क है और ये वाटर है। 15 लीटर मिल्क था, 3 लीटर उसमें पानी मिला दिया, तो क्वांटिटी का रेशियो मिल्क और वाटर कितना हुआ, 5:1। क्योंकि हमने क्या किया कि मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो निकाल दिया। अब उसके बाद हमको बताया कि यार प्राइस मिल्क की नहीं पता, वाटर का कॉस्ट प्राइस पता है, हम जानते हैं 0, यहाँ पता है 22, और ये मेरे को नहीं पता। तो लेट्स सपोज दिस इज एक्स, ठीक है ना, ओवरऑल जो मिक्सचर बना वो कितना बना, 22 बना। अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है यार एक बार इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर इसमें से ये, मतलब ये क्या है इससे बड़ा है, तो मतलब 22 - 0 तो कितना आया, 22 आया। अगली बार अब ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें पानी मिलाओगे 22 लीटर ही बनेगा, तो इसका दाम ज़्यादा होगा दूध का, तो ये यहाँ क्या आएगा, x - 22। अब क्या करना है, देखो 5:1 का रेशियो है, चाहो तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सिंपल देखो कि 5 का मतलब 22, 5 का मतलब 22, तो 1 का मतलब कितना होगा, अगर 5 का मतलब 22 तो 1 का मतलब कितना होगा, 4.4। अगर 1 का मतलब 4.4 हुआ, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4.4 के बराबर है। तो x की वैल्यू, ये माइनस उधर चला गया, तो 26.4 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 26.4, एंड ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी 26.40। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से प्लीज। अब देखो कि अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि यार मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:1 और 10 लीटर वाटर इज एडेड, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। तो बताना इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, बताना जल्दी से इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी होगी, जल्दी से एक बार बता दो, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी कितनी होगी। यस, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बता दो दोस्तों जल्दी से। यस, तो सबको भैया, सबको सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप सब लोग सुबह सुबह जगे हैं और तो फुल यूज़ करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। तो यार हमको पता है यार मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, 10 लीटर वाटर ऐड किया, देखो ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि मिल्क क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मिल्क जितना पहले था मिल्क उतना अभी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मतलब मिल्क पहले कितना था, 2 था, अभी भी मिल्क कितना है, 2 है, लेकिन ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है, यानी वाटर पहले कितना था, 1। मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क सेम है दोनों में दोस्तों, सेम है मिल्क, पहले वाटर कितना था, 1, अब कितना हो गया, 3, कितना ऐड किया, 2, तो 2 वाटर ऐड किया, और वाटर यहाँ है कितना असलियत में कितना ऐड किया, 2, 10, तो 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, कुछ नहीं करना, 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब 15, इससे हमारा आंसर आ जाता था। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता था कि 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, 3 का मतलब 15, खत्म कहानी, खेल खत्म। या लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाए जैसे यार मैं कहूँ कि ऐड ना करके मैं निकाल लूँ, और मैं दोनों चीज़ें निकाल लूँ, या मैं एक एक चीज़ निकाल लूँ, तब मिक्सचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। कैसे देखते हैं, मैं कहता हूँ यार मिल्क था मेरे पास 20 लीटर, ठीक है, और वाटर था 5 लीटर।
अब क्या कर दिया, मैंने बना दिया इसका मिक्सचर, 20 लीटर पानी और 5 लीटर, 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया एक डब्बे में, बाल्टी में या कहीं भी डाल के आपने रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मान लो एक इंसान आता है, कोई भी इंसान आता है, और वो क्या करता है, वो करता है कि 10 लीटर निकालता है और लेके चला जाता है। 10 लीटर टेकन आउट, क्या लेके चला जाता है, मिक्सचर लेके चला जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि 10 लीटर मिक्सचर चला गया कहाँ से, बाल्टी में से। या मान लेते 10 लीटर कोई पी गया, मान लो कोई खली टाइप आदमी था, 10 लीटर निकाला और पी गया सुबह सुबह, क्या पी गया, मिल्क और वाटर का मिक्सचर पी गया, जिसमें क्या था, 10 लीटर पी गया। तो बताओ कितना मिल्क पिएगा और कितना वाटर पिएगा, ठीक है, नंबर वन। और बचेगा कितना ये भी बताना है कि रिमेनिंग मिल्क कितना बचेगा और वाटर कितना बचेगा, और यहाँ पे ये बताना है कि पिएगा कितना या जाएगा कितना क्वांटिटी। चलिए, यस प्लीज। हाँ चलिए भाई, फटाफट बताइए। अब देखो एक चीज़ नोट कर लेना कि मिल्क और वाटर का अगर मिक्सचर हमारे पास बनता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जिस रेशियो में मिल्क और वाटर होंगे उसी में निकलेंगे, अगर वहाँ से कुछ निकालोगे तो हमेशा उसी रेशियो में निकलेंगे और हमेशा उसी रेशियो में बचेंगे भी। लेकिन क्या होना चाहिए, मिक्सचर निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, मिक्सचर निकलना चाहिए। तो मिक्सचर कितने लीटर का निकला है, 10 लीटर का निकला है। तो 10 लीटर का जो मिक्सचर निकला है उसी रेशियो में निकलेगा। तो पहले चलो जरूर मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4:1, ये हो जाएगा मिल्क वाटर का रेशियो 4:1। अब ये निकला कितना है, 10, तो ये ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 5। 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2, सुन समझो बात को, ये 5 है, 5 का मतलब 10, 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2, 4 का मतलब 8, 1 का मतलब 2, यानी मिल्क 8 है और मिल्क 8 निकला और वाटर 2 निकला। अब रिमेनिंग वाले में कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे किताबों में भी दिया होता है, बहुत सिंपल है वैसे, कि यार मिल्क 20 लीटर है तो बोलेंगे अच्छा 8 निकल गया सर तो 12 बचेगा सर, और 5 है 2 निकल गया सर तो 3 बचेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे समझो बात को, टोटल कितना था, 25, तो बचा कितना होगा, 10 निकलने के बाद कितना बचा होगा, 15 लीटर। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10 के बाद कितना बचा होगा, 15 लीटर, लेकिन किस रेशियो में बचा होगा, 4:1, यानी फिर से क्या कि 5 का मतलब 15, 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, 4 का मतलब 12 और 1 का मतलब 3। तो जो बचा है वो ऐसा कर देंगे कि 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, तो 4 का मतलब यानी मिल्क 12 आ गया, वाटर 3 आ गया। आई होप ये आपको ये बात समझ आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, पहले डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे। हमेशा ध्यान रखना, खाली चाहे वो मिक्सचर होना चाहिए, चाहे वो दूध पानी का हो, चाहे वो वाइन वाटर का हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन मिक्सचर होना चाहिए। अगर मिक्सचर है तो जब उसमें से कुछ मिक्सचर निकलेगा तो निकलेगा किसमें, जिस रेशियो में होगा, और बचेगा कितने में, जिस रेशियो में होगा, जस्ट इट, ठीक है ना। तो हमको इतना देख लिया कि यार अगर हमारे पास 15 बचा तो मिल्क और वाटर का ये क्वांटिटी आ गया। ठीक है यार, अब एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे है, बात को बढ़िया से समझना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर जी दिखा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस चलिए सर सॉल्व करिए फटाफट। चलिए फटाफट आंसर बताइए। यस
कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर देना कि हाँ यार समझ आ गया, और आंसर निकालो, ठीक है? एक बार बता दिया करो थोड़ा सा हमको भी कि समझ आ रहा है, वरना कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है तो फिर मज़ा सा आता नहीं है। चलिए तो वीडियो को लाइक वाइक करते भी चलो, ठीक है? लाइक करते चलना। चलो देखो यार, हिंदी इंग्लिश सब में क्वेश्चन है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है हिंदी लाने के लिए, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? चलो बाकी अगर कुछ ऐसा शब्द समझ नहीं आएगा बता देना, ठीक है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये कि अ जार कंटेन्स 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 6:7। बात समझा? वॉट कॉन 6:7, 26 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट। वॉट क्वान्टिटी ऑफ मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द वॉटर कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इन जार ए, ठीक है? तो उसका नाम जार ए या इन जार उसका नाम रख देते हैं, चलो ए जार का नाम है। अब देखो समझो बात को कि कितना था, 78 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है? किस रेशियो में था? 6:7 में। तो यार अब देखो समझो, मिल्क और वाटर 6:7, टोटल 78 लीटर है। पहले अलग अलग निकालो ही मत, 78 लीटर। अब स्टेप वाइज समझो कि 78 लीटर था इस रेशियो में था, अच्छा निकाला कितना है 26 लीटर, तो 26 लीटर टेकन आउट। तो अब बचा कितना? 78 में से 26 कम कर दो, 52 लीटर बचेगा। तो मिल्क वाटर का रेशियो भी अभी भी वही रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों निकला है, मिक्सचर निकला है। तो अब इनको ऐड कर दो तो 13, 13 का मतलब 52, 1 का मतलब 4, 6 का मतलब 24, 7 का मतलब 28। आपको ये पता चल गया कि मिल्क इतना आ गया 24 और ये आ गया 28। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो है क्या, देखो समझो बात को कि एक्स वेक्स मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कितना मिल्क ऐड करें कि वाटर 40% हो जाए। अब देखो इतना हमको पता है यार कि कितना मिल्क ऐड करें कि वाटर 40% हो जाए, यानी चलो अच्छी बात है, यानी मैं कह देता हूँ यार 40% का वैल्यू होता कितना है, 2/5, मतलब ये 5 टोटल है तो ये कितना है, 2 है। और वैसे भी इसकी क्वांटिटी में तो चेंज होगा नहीं, क्वांटिटी तो ओवरऑल चेंज होगा, तो यार 2 का मतलब 28, क्योंकि यही तो 40% होगा। तो एक बार मेरे साथ बोल देना जरा कि 2 का मतलब 28, 1 का मतलब 14, तो 5 का मतलब 70, और टोटल हो गया 70। अब देखना है हमें कि कितना ऐड करना पड़ेगा। तो यार अगर टोटल 70 है और 52 है, टोटल यहाँ भी 52 है, तो बचा कितना, 18 लीटर ही तो बचेगा, 18 लीटर ही तो बचेगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसा था, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे यार कि अगर ये 2 होगा तुम्हारा क्या, वाटर, वाटर, तो टोटल हुआ कितना अपने पास, 3 क्या होगा फिर, अगर अगर वाटर होगा 2 तो मिल्क कितना होगा, 3 होगा। तुम ऐसे भी बोल सकते थे यार 2 का मतलब कितना, 28, 1 का मतलब 14, तो 3 का मतलब 42। सिंपल सी बात है, यानी पहले 24 था मिल्क, अभी उसमें 18 और ऐड हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई। सिंपल सी बात है कि 2 का मतलब 28, तो 3 का मतलब कितना, ठीक है? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही लगा था। कैसे लगा था, सिंपल, हमने देखा और निकाल दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से दिखाइए। ये हम बस वही बात बता रहा था कि जब मिक्सचर से निकालते, समझ आ गया हो तो बताते चलना, यस यू आर गेटिंग इट, और फिर आगे वाले क्वेश्चंस करते रहेंगे। हाँ
यस, इजी था, बढ़िया था, आसान क्वेश्चन था ये। ये वाला करिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं फटाफट। अ जार कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 10:3। अब इसमें से क्या किया है कि 26 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर ऑफ वाटर। इफ फाइनल रेशियो ऑफ, मतलब सब कुछ करने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो मिक्सचर में बचा वो 5:2 बचा, तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। बहुत आसान है, ये भी आराम से सॉल्व हो सकता है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए चैट थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार कंप्यूटर जी देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए दिस इज अ काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन, तो एक बार देखिएगा चैट में डिस्कनेक्ट हुई है, क्या चक्कर हो सकता है। देखता हूँ मैं जब तक कितने लोगों का आंसर आना शुरू हुआ है, देन वी स्टार्ट इट, फिर मैं सॉल्व करना। एक दो आंसर आ जाएंगे तो आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, बट फॉर दैट आई नीड टू लुक। यस, तो आंसर बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है, दो तीन टाइप के आंसर्स आ रहे हैं, एक तो 169 भी है, 156 भी है, ठीक है ना, सो 156। अब देखो यार, ये है कि यार जार जो है, अब इसको समझ रहा, मैंने कहा कि फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है। फ़र्क क्या नहीं पड़ता, फ़र्क किस पे नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता रेशियो पे, क्या निकालने पे, मिक्सचर निकालने पे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ कि 26 लीटर मिक्सचर निकाला गया, लेकिन डाला क्या गया, 10 लीटर पानी डाला गया। दिस इज द क्वेश्चन कि 26 लीटर क्या निकाला गया, मिक्सचर, और डाला क्या गया, पानी। आपको ये नहीं पता था लेकिन इनिशियली कितना था, तो इसको एक देखो, एक तरीका और भी है कि अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लो, अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लो और फिर बढ़ लो आगे। लेकिन इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, वो ट्राई कर लेना। और मैं एक तरीका और बताता हूँ कि यार मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 10:3। इसमें से निकालते रहो, क्या निकालते रहो, मिक्सचर निकालते रहो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि 26 लीटर, 26 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तब भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहेगा, 10:3 तब भी रहेगा। उसके बाद मिलाया कितना गया, 10 लीटर, क्या मिलाया गया, पानी। मतलब 26 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, उसके बाद मिलाया क्या गया, 10 लीटर पानी मिलाया गया। ओके, सो यार एक बात समझो यार, कि अगर मैं कहूँ कि अगर 10 ही मिलाना है तो 26 क्यों लिखता हूँ मैं, ऐसे समझो, क्योंकि बाद में 10 मिलाना है, तो 10 10 से 10, 10 से विल रिलेटेड। तो हम, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ कि 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, 26 को तोड़ रहा हूँ मैं, बात समझना मेरी, और बताते रहना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 26 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, तो मिल्क और वाटर यही बचेगा। फिर मैं कहता हूं कि फिर 10 लीटर टेकन आउट, 10 लीटर टेकन आउट, ठीक है, तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना बच जाएगा, 10:3, अभी भी वही बचेगा। अब मैं बात को दूसरी तरह से, कान को पकड़ रहा हूं, कैसे पकड़ रहा हूं, मैं कहता हूं पहले 16 निकाल दूंगा, इतना बचेगा, फिर मैं 10 लीटर निकाल दूंगा, तो मतलब 10 लीटर निकाल दिया तो मिल्क और वाटर का रेशियो 10:3 हो गया। अच्छी बात। अब ये मेरा फाइनल है, 26 निकालने के बाद ये बचा है 10:3 का रेशियो। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, इफ फाइनल रेशियो ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर ऑफ वाटर,
मतलब ये 10 लीटर मिक्सचर निकाला, क्या निकाला, मिक्सचर, और ऐड क्या किया, 10 लीटर ऑफ वाटर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो चलो यार, मिल्क और वाटर, अब लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो बदल गया, कितना हो गया, 5:2, ठीक है ना यार, 5:2 हो गया, 10:3 हो गया यार। मतलब यार कि मतलब 10:3 का रेशियो 5:2 का रेशियो, इसमें किया क्या है वैसे, मैंने खाली खाली क्या ऐड किया है, वाटर, कितना वाटर ऐड किया है, कितना वाटर ऐड किया, 10, लेकिन यहाँ वाटर कितना, 3, और यहाँ वाटर कितना, 2, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मिल्क, तो मिल्क यहाँ कितना है, 10 है, और मिल्क यहाँ कितना है, 5 है, क्योंकि मिल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए, लेकिन मिल्क यहाँ 10 है पर यहाँ 5 है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 10:4, 10:4, ठीक है, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, 10:4, यानी वाटर यहाँ था 3, वाटर यहाँ था 4, और मिलाया कितना है, लेकिन 10, और पिक्चर में कितना मिला रहे हैं, 1, तो 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10, तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 130, मतलब या मैं बात करूं, ये 13 का पूरा मतलब निकाल सकते हैं आप, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यार ये 14 का मतलब कितना हुआ, 140, सो दिस इज व्हाट, 140, ठीक है। अब देखो बात को समझो, कि अब पूछता है इनिशियल मिक्सचर कितना था, अगर मैं बोलूं इनिशियल मिक्सचर कितना था, तो ये 130 हुआ, ठीक है ना। अब या हम ऐसे करें कि यार ये वाला पूरा मिक्सचर निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 140 आ गया, और ये जितना है वो इतने के बराबर है, 140 इतने के बराबर है, ये मत कर देना कि ये और ये इनिशियल, क्योंकि इसमें से 10 निकाल के फिर 10 ऐड किया था, तो ये तो पूरा 140 बराबर हो गया, और स्टार्टिंग में कितना निकाला था, 16 और निकाला था, यानी टोटल अगर बात करें तो 140 प्लस 16, 156 बात करें। एक बात समझ लो कि ये वाला और ये वाला क्वांटिटी, कौन सा वाला, ये वाला क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि इसमें से 10 लीटर क्या निकाल दिया, मिक्सचर, और 10 लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया, तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों, ये दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल, क्योंकि इसमें से 10 लीटर निकाला है और 10 लीटर ऐड कर दिया। चलिए अब देखो, लोगों के क्वेश्चंस अब बन रहे हैं कि सर सर आप जो है सर 26 निकाला गया, सर आप 16 क्यों लिखे, व्हाई डिड यू राइट 16। एक्स को अवॉइड करने के लिए, एक्स को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको 2 बार निकाल दिया, फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दिया जाए। हाँ देखो, फ़र्क तो रेशियो में कोई पड़ेगा नहीं, तो ये जो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट है, जो उस मतलब रेशियो का कॉन्सेप्ट है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको करने के लिए मैंने क्या किया, M:W, 10:3, क्योंकि देखो 10 निकलेगा मिक्सचर का और 10 वाटर अगर फिर से ऐड होगा तभी तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, तो इसलिए हमने ये डायरेक्टली ये यूज़ कर दिया, ठीक है ना। चले यस, इसलिए मैंने पहले क्या माना 16, बाद में मैंने मान लिया 10। अरे भैया 26 निकालना है ना, तुमको 26 रुपये खर्चा करने हैं, तो या तो किसी को लेके 26 दे दो, नहीं तो पहले 16 दे दो हौले हौले, फिर बाद में 10 दे दो, बात तो वही होगी, बात में कोई फ़र्क पड़े तो बताना, ठीक है। तो हमने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी कि यार इस हिसाब से रेशियो था, हम नीचे गए फिर हमने सॉल्व किया, समझ आ गया क्या, ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल सबको क्लियर होगी बात, ये ऑल क्लियर, चलिए ठीक है। हमने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास ये मिक्सचर था 10:3, इसमें से 26 लीटर निकाल के, सुनो पूरा देख लो, 26 लीटर निकाल के 10 लीटर वाटर ऐड करना था, 26 लीटर निकाल के 10 लीटर वाटर ऐड करना था। मैं कहता हूँ कि यार मैंने पहले 16 लीटर निकाल दिया तब भी ये रेशियो बचा, फिर मैंने 10 लीटर निकाल दिया तब भी ये रेशियो बचा, अब मैंने ये देख लिया यार ये 10:3 है, अब 10 लीटर वाटर ऐड किया तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये भी 10 ये भी 10, तो यहाँ कितना मिला, 1 मचा, और 1 का मतलब 10 हुआ,
एक का मतलब 10 हुआ। अब चाहे ऐसे भी बोल सकते हो यार, 13 का मतलब कितना हुआ, 130 होगा। तो अगर पूरा ये 130 होगा तो उसमें 26 पूरा निकला है, तो 26 प्लस करना पड़ेगा। नहीं तो देखोगे ये वाला रेशियो, ये जितनी भी क्वांटिटी होगी और ये जितनी क्वांटिटी होगी वो दोनों सेम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, सेम तरीके का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर सब लोग बता दें। आई वेट फॉर लाइक 1 मिनट एंड आई वॉन्ट इट टू सॉल्व बाई एवरीवन। और ये तो उससे भी आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना है, 9 लीटर ही निकाला गया है। चलिए फटाफट बताइए, वीडियो को यार लाइक वाइक जरूर करते चलना, ठीक है, और आंसर जल्दी बताओ। अलकेश कोई बात नहीं, थैंक्स यार, मैं आई कम विद मोर क्वेश्चंस, तो शायद आपको अच्छी लगे। अच्छी लगी, आपने डिसलाइक किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कि जिसको पसंद नहीं आएगी वो डिसलाइक करेगा, यही तो यूट्यूब है ना, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर बताओ यार, ये आसान क्वेश्चन है, इसको सभी सॉल्व करें, एवरीबडी सॉल्व इट। चलिए ऑप्शन भी बताना कि कौन सा ऑप्शन होगा, और क्वेश्चन को समझना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। तो देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कुछ ट्रिक लगा दी, उनको लगता है कि आंसर होना चाहिए 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल सिर्फ 36 है ना, ना दीज तो है ही नहीं जैसे लगता है वहाँ पे। और 12 का मल्टीपल क्यों है, क्योंकि पूछा तो ए है, बात समझो, तो ए पूछा है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल तो 21 और 28 है, तो इस हिसाब से जो लोग भी 36 बोल रहे हो आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। ये पता नहीं कहाँ से आप लोग सीखते हो, और कौन बताता है आपको कि ऐसे कर लो कि 7:5 12 है तो 12 का मतलब 36 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ऐसा है नहीं, क्योंकि पूछा ए है, दूसरी बात ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, तो ये प्लस में एक नहीं मिलेगा, ये माइनस में 2.25 हो जाएगा। आप बात को समझा करो, ठीक है, अगर आप कुछ भी वीडियो देख रहे हो, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको बहुत सिंसियरिटी से साथ पढ़ा करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में रिफ्लेक्ट होंगी आपसे। और कभी भी कोई भी ट्रिक ऐसे बस बस फ्री का माल में मतलब ऐसा समझ मत लो कि यार ये मेरे को समझ आ गया, अप्लाई दैट इन द क्वेश्चन और देखो क्या सही होता है। चलो ठीक है देखते हैं। तो बोलते हैं कि 2 लिक्विड था यार 7:5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, बहुत अच्छी बात है, मिक्सचर है तो 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, टेकन आउट, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 7:5, कोई रेशियो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद क्या क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है व्हेन 9 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विद बी, और बी 9 लीटर का ऐड कर दिया, तो 9 लीटर बी इज एडेड। तो देखो यहाँ पे जब मिक्सचर निकला तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बी ऐड हुआ तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ के कितना हुआ, ए इज टू बी कितना आया, और ये आ गया अपना 7:9, ये बना, यानी ये कितना था, 5 था, ये कितना था, 9 था, दिस इज 5, दिस इज 9, तो कितना मिला दिया हमने, 4 मिला दिया। और और देखो ये वाला क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम होगी, देख लेना बात को, क्योंकि इसमें से 9 निकाल के 9 डाल दिया है, तो ये क्वांटिटी जो होगी और ये वाली, ये जोड़ने से नहीं वैसे सेम होगी, लेकिन मैंने यहाँ मिलाया क्या, बी मिलाया, कितना मिलाया, 9 मिलाया, बट मैंने बी यहाँ कितना मिलाया, 4 मिलाया, जय माता दी, 4 का मतलब 9 और टोटल है कितना, 16, तो 4 का मतलब 9, तो 16 का मतलब, अब जाहिर सी बात है ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ भी 4 टाइम्स हो जाएगा 36। अब टोटल ये 36 हुआ, अब ये टोटल कितना, 12 है, तो अब ये टोटल 36 लीटर आ गया, कैसे आ गया, हमने करके देखा है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12, तो 12 का मतलब 36,
वन का मतलब थ्री, देन सेवन का मतलब 21 और फाइव का मतलब 15, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, 12 का मतलब 36, एक का मतलब 3, तो 7 का मतलब 21, 5 का मतलब 15। इन्होंने पूछा है ए इनिशियली, तो दैट इज व्हाट 21। बताओ समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा, अगर आ गया तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से उसको बताते चलना, समझते चलना, ठीक है दोस्तों? यस, सो हमारा ये आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर है आंसर कितना है, 21। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज। यस, एक बार रिपीट भी कर देता हूँ बाकी लोगों को ट्राई करें। ए और बी का रेशियो 7:5 था, 9 लीटर मिक्सचर उसमें से निकाला गया, फिर ए बी का रेशियो 7:5 हो गया। अब 9 लीटर क्या ऐड कर दिया गया, बी ऐड कर दिया, तो बी ऐड कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है कि ए तो सेम रहेगा, तो 7 था ये भी, अभी भी 7 है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये 5 है तो 9 हुआ, यानी 4 हुआ, और 4 का मतलब 9, तो 16 का मतलब कितना, तो अपने पास आ गया 36। अब जाहिर सी बात है जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें से 9 निकाल के 9 ऐड किया है, यानी ये 36, तो ये भी 36, तो 12 का मतलब 36, 1 का मतलब 3, 7 का मतलब 21, 5 का मतलब 15। चलिए भाई ये वाला आंसर बताइए जल्दी से। क्लास की टाइमिंग देखो, क्लास की टाइमिंग है 7 to 9 MWF, मंडे वेंसडे, नहीं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, तीनों दिन लगातार होगी, और फिलहाल 9 to 10, और ये है 9-10 से शुरू होती है, बट 9 to 10 समझो, ये मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हमेशा ही आई, ठीक है, 9 to 10 रात में आप देख सकते हैं। चलो अब यार इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। देखो क्वेश्चन समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं जिंदगी में, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एवरीथिंग यू कैन सॉल्व। एटीन लीटर्स ऑफ प्योर वाटर वॉज एडेड टू अ वेसल कंटेनिंग 80 liters ऑफ प्योर मिल्क। देखो बैंक में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ी बातें लिखी होती है, बट क्वेश्चन होता बहुत आसान है, ठीक है। 49 liters ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सर वॉज सोल्ड एंड सम मोर क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर वॉज एडेड टू द वेसल इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट रेशियो, मतलब बाद में जब एड करने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 आता है, तो क्वांटिटी जो मिल्क का एडेड होगा वो आपको बताना है बाद में जब ऐड करेंगे। तो हमारे पास देखो मिल्क कितना था, मिल्क हमारे पास था 80 लीटर, ठीक है, मिल्क वॉज 80 लीटर, वाटर हमने इसमें किसी में ऐड कर दिया तो कितना हो गया वाटर 18 लीटर। अब अगर हम मैं बात करूं तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 40:9, अब बोलते हैं कि 49 लीटर बेच दिया, अरे तो बेच दो, टोटल 98 था, 49 बेच दिया तो 49 सोल्ड, तो 49 रिमेनिंग, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं वरना ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का था, तो मिल्क और वाटर हुआ कितना, अभी 49 ही बचेगा, तो मतलब वही रेशियो है 49:49, सीधा हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, रेशियो के साथ साथ वैल्यू भी वही है। अब बोलता है कि मिल्क एंड वाटर एडेड, तो जो मिल्क वाटर ऐड किया वो किस रेशियो में ऐड किया, 2:1 में ऐड किया, कहीं और से लेकर आए थे मिल्क और वाटर, तो मेरे पास क्या था 40 लीटर मिल्क था, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया, ये मिल्क और वाटर नया लेकर आया उसको ऐड किया, तो सिंपल सी बात है यार, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि मैं 2x वाटर ऐड किया, और वाटर था 2x मिल्क ऐड किया, वाटर था 9, तो उसमें कितना ऐड किया x ऐड किया, और नया रेशियो बना कितना, नया रेशियो कितना बना अपना, दैट इज 4:1, तो नया रेशियो बना कितना 4:1 का रेशियो बना। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये हुआ कितना 40 + 2x,
इज इक्वल टू 36 प्लस 4x। अब ये यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मिल्क वाटर का रेशियो तो यही था 2:1, इसको चाहे 2x और x लिख लो, x अगर आ गई 2 तो ये आ जाएगा 4, यानी आंसर कितना है 4। तो सबका आंसर आई थिंक आ गया 4 लीटर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बातें घुमा घुमा के लिखी होती है, लेकिन प्री में ना इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर जी। यस हाँ, ये देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका अगला पार्ट देखिए, हिंदी में नहीं है क्या ये, नेक्स्ट दिखाइएगा स्लाइड। चलिए पीछे कर दीजिए, यस पीछे वाला कर दीजिए। चलो अब ये मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि अ जार कंटेन्स मिक्सचर ऑफ ग्रेप ऑरेंज एंड लेमन इन रेशियो 4:6:5, 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी 15 लीटर क्या हुआ निकाल लिया गया मिक्सचर का, और 8 लीटर ग्रेप्स का जूस और 2 लीटर ऑरेंज का जूस ऐड कर दिया गया, और ये भी लिखा हुआ है कि टू इफ रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप, मतलब जो बचा ग्रेप बाद वाला सबसे, वो 10 लीटर कम था किससे ऑरेंज से, तो बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आई थिंक इसमें ठीक है, देखते हैं हम और क्या हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे हिसाब से कुछ नीचे कुछ और लिखा होना चाहिए था, बट विल चेंज इट, थोड़ा सा सॉल्व करो कि क्या होगा, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बताओ यार, दिस इज समथिंग क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर बताओ, ठीक है। ऑप्शन सारे, मतलब आप समझो कि ऑप्शंस गड़बड़ है, हम देख लेंगे क्या है कैसे, ठीक है आप बताओ आंसर क्या आएगा अपने हिसाब से बताओ, समझो एक ऑप्शन ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अब देखो यार एक है कि जार में ग्रेप है ऑरेंज है और लेमन है और उनका रेशियो है 4:6:5, तो हम लिख लेते हैं इसको ग्रेप ऑरेंज और लेमन का जूस है ये, ठीक है ना, और रेशियो कितना है इनका 4:6:5। अब बोलता कि 15 लीटर मिक्सचर का निकाल दिया गया, तो यार मैं कह देता हूँ इसको नॉर्मल तरीके से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं बोलूँगा यार ग्रेप 4x मान लेता हूँ, ये 6x मान लेता हूँ, ये 5x मान लेता हूँ, क्योंकि लेमन की बात तो करी नहीं है, लेमन की बात तो करी नहीं, बस इनकी बात करी। अच्छा 15 लीटर निकाल दिया गया तो मैंने बताया मिक्सचर निकलेगा तो उसी रेशियो में, जूस वूस तो हमेशा इसी रेशियो में निकलता है, इनको जोड़ा तो 15 आया, तो 15 का मतलब 15 है ना, तो 1 का मतलब 1, यानी अगर मैं बात करूं तो 15 जब टोटल बनेगा तो ग्रेप तो 4 ही निकलेगा, मतलब ग्रेप कितना निकलेगा 4 निकलेगा, और ऑरेंज कितना निकलेगा 6 निकलेगा, मतलब अगर मैं बात करूं तो ग्रेप अभी बचा कितना 15 निकालने के बाद, तो आप बोलोगे सर 4x-4, और बोलो ऑरेंज कितना बचा तो बोलोगे 6x-6, ये आप बोलोगे कि 6x-6। तो बोलते कि अगर उसके बाद 8 लीटर ग्रेप्स का ऐड किया तो ये प्लस 8 हो गया, एंड 2 लीटर ऑरेंज जूस का ऐड किया तो प्लस 2 हो गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना बचा अपने पास अभी कितना है 4x+4, और ये कितना हो जाएगा 6x-4, ठीक है। बोलता है ये वाला इससे 10 लीटर ज़्यादा है, ये वाला इससे 10 लीटर ज़्यादा है, बात समझना,
सबका आंसर आएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये वाला इससे 10 ज़्यादा है तो इनको घटा लो भैया मेरे, तो 4x+4 इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हुआ 6x-4 -4x-4 इज इक्वल टू 10। अब ये कितना हुआ 2x = 18, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और अगर x की वैल्यू आ गई 9, अब हमें निकालना था ये पूरा, तो ये पूरा है कितना 6, 4, 10, 5, 15, तो 15 का मतलब कितना हुआ 135। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू आ गई 9, तो 15 का मतलब कितना हो गया 135, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बात कर लेते, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अच्छा सर, टोटल 15 लीटर नहीं दिया है तो हम रेशियो इक्वल टू 15 कैसे कर सकते हैं? अब देखो, मैंने रेशियो इक्वल टू 15 इसलिए किया क्योंकि 15 लीटर टेकन आउट है ना, 15 लीटर टेकन आउट है। अब पढ़ोगे, पहली लाइन पढ़ोगे तो समझ आएगा कि 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 15 लीटर इस मिक्सचर का निकाल दिया गया, तो निकला किस रेशियो में होगा, इसी रेशियो में होगा। अब हमें क्योंकि इनिशियल नहीं पता है तो वी हैव टू अज्यूम दैट इज कि ये 4x है, ये 6x है, 5x है, तो 15 निकालने का मतलब क्या है कि 15 का मतलब 15, तब हमने ऐसा कर दिया। चलो यार, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन हटाइएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूँ, अगर आपसे मैं ऐसा बोल दूँ कि यार यहाँ से ना 45 लीटर टेकन आउट, सेम क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ 45 लीटर निकाल दिया गया, तो आंसर बता सकते हो कितना आएगा, मतलब क्वांटिटी तब कितनी आएगी, तब समझ आ जाएगा आपको। अगर बता दो कि 45 लीटर निकाला गया तो फिर ये समझ आएगा, फिर मेरी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए, तो यार बता देना समझो मजा आया कि नहीं आया, और ये वाला एग्जाम्पल भी करोगे तो डेफिनेटली आपको बात क्लियर हो जाएगी। यार एक्स की वैल्यू 9 आ गई, अब एक्स की वैल्यू अगर 9 आ गई तो 15 की वैल्यू निकालनी है हमने, एक्स 9 है तो 15 × 9 कितना होता है 135 ही होता है। चलिए हाँ, अरे ऑप्शन गलत है रमेश जी, ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मैंने बोल रखा था ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब ये अगर 45 निकालोगे तब आंसर कितना आएगा, चलो बता दो जल्दी से। ठीक है, हाँ टेकन आउट सेम, बाकी सब कुछ सेम है। अगर मैं कहता हूं कि 45 लीटर टेकन आउट, तो अब क्या होगा, देखो अब यार ये ग्रेप था, ऑरेंज था और लेमन था, 4, 6, 5 है, तो 15 का मतलब 45, 1 का मतलब 3, मतलब अगर 12 यहाँ ग्रेप से निकलेगा, ऑरेंज से कितना निकलेगा 18 निकलेगा, लेमन की बात करो ही मत क्योंकि लेमन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो मैं कह देता हूँ यार इनिशियली जो था वो ग्रेप, इनिशियली जो था ग्रेप, ऑरेंज और लेमन 4, 6, 5 था, तो मैं उसको ऐसे मान लेता हूँ कि यार 4x और अगला वाला 6x मान लेता हूँ, 5x की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें से 12 निकाल दिया तो इतना बचा, उसमें से 6 निकाल दिया तो इतना बचा, 6x-18। अच्छा ऐड कितना किया है इसमें, इसमें जो ऐड किया था ग्रेप्स में वो 8 लीटर ऐड किया था, ठीक है, और इसमें जो ऐड किया था वो कितना ऐड किया था, वो कितना ऐड किया था, वो किया था हमने 2 लीटर ऐड, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जब 2 लीटर ऐड किया तो अब इन बना कितना अपने पास 4x-4 और ये 6x-16, कितना बचा 6x-16। अब इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 10, तो 6 में से 4 गया, पूरा कर लेते हैं इसको, कोई नहीं, 6x-16 -4x+4 = 10, तो 2x हुआ और 22 हुआ, तो x कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है, क्योंकि 16 और में से 4 -12 -12 10 22, तो x आ गया 11। अब ये टोटल है कितना 6, 4, 10, 5, 15, तो 1 की वैल्यू 11 है तो टोटल कितनी होगी 6, 4, 10, 5, 15 यानी 11 × 15, हमारे हिसाब से 99% लोगों ने इसका आंसर सही किया है, ठीक है, 165 बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही निकाला है। तो देखो 4 × 4 प्लस था ना सर, हाँ लेकिन देखो ना ये 18 था ना पूरा, 16 मतलब ये 12, 18, तो इसमें 2 ही तो ऐड किया ना क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार
ये समझ लेना, क्वेश्चन को दिखाइए, क्वेश्चन को दिखाइए एक बार, ठीक है? अच्छा, क्या क्वेश्चन हम इस साइड दिखा सकते हैं ये, क्योंकि सोल्यूशन इस साइड किया हुआ है, इफ पॉसिबल तो दिखाइए जरा एक बार, ताकि मैं पूरा समझा देता हूँ इसको दोबारा। पहली बात तो देखो दोस्तों, ये समझ लेना कि ऑप्शन में नन है, और ऑप्शन वो सारे हैं ही नहीं, क्योंकि पिछला वाला और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गया, तो ऑप्शन बिल्कुल सारे गलत थे। नंबर वन। नंबर टू, मैंने क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया है। पहले मैंने माना है कि 15 लीटर्स, दूसरी बार मैंने माना है कि 45 लीटर्स, तो 2 आंसर निकाले हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 135। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आएगा 165। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट हो, अब जो आपने देख लिया होगा। अब इसमें मैंने क्या चेंज कर दिया, 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 45 लीटर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई पंगा नहीं है। मेरे जो कहने का मतलब है आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से प्लीज़, ठीक है? मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि यार एक कॉन्सेप्ट बना लो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन अलग आते हैं। सो जितने भी सेशन में लेकर आऊँगा, मैं यही कोशिश करूँगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं ज़रूर पढ़ाऊँ आप लोगों को, और आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो यार ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्या है, कैसे और क्या करना चाहिए, और ज़्यादा क्वेश्चन कराने चाहिए, कम कराने चाहिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ाने चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप अपना एडवाइस दे सकते हो।